हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ, वर्कशीट नंबर फोर, मैथ्स वर्कशीट नंबर फोर। वर्कशीट नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर है, हम इनके प्रेडिसेसर और सक्सीजर फाइंड करने हैं। तो वी नो दैट प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हमें माइनस वन करना होता है और सक्सीजर फाइंड करने के लिए हमें प्लस वन करना होता है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, अगर हम इसमें प्लस वन कर लेंगे तो इसका सक्सीजर निकल जाएगा, और माइनस वन कर लेंगे तो प्रेडिसेसर निकल जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ। देखिए, यू कैन सी हेयर, ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है। इसमें हमने क्या किया, माइनस वन किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका प्रेडिसेसर। तो नाइन में से हमने वन माइनस किया, एट, यहाँ सब सेम, फाइव फाइव वन नाइन टू थ्री टू थ्री। तो ये नंबर हमने यहाँ राइट कर लिया, ये देखिए, ठीक है, आ गया बेटा। तो सेम सभी में प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हमें माइनस वन करना है, और सक्सीजर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे। क्या करेंगे, प्लस वन। अब हमने इसमें प्लस वन किया, ये प्लस वन हमने किया, टेन, नाइन और वन टेन, टेन का ज़ीरो, कैरी का वन, फिर ये टेन, फिर से कैरी का वन, यहाँ सिक्स हो गया, सिक्स हो गया, फाइव और प्लस वन, फाइव प्लस वन सिक्स। अब ये सेम, नाइन टू थ्री, ठीक है, ये जो नंबर है वो हम सक्सीजर में राइट कर देंगे। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी नंबर है, अगर हमें उसका प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो हम माइनस वन करेंगे, एंड सक्सीजर फाइंड करना है तो हम प्लस वन करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी देखिए, ये था हमारे पास क्या है, 2,34,56,700। तो हमने इसमें से वन माइनस किया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2,34,56,699, क्योंकि 700 में से हमने वन माइनस किया तो 699 हो गया। और यहाँ वन प्लस किया तो क्या होगा, 701, 2,34,56,701, ठीक है। सिन और क्वेश्चंस में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने देखा क्या है हमारे पास, 50 लाख, क्या है, 50 लाख है। तो अगर हम 50 लाख में से वन माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 49,99,999। और यहाँ पे अगर वन प्लस कर देंगे तो वन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 लाख, ठीक है। सेम यहाँ हम प्रेडिसेसर और सक्सीजर, प्रेडिसेसर में हम फिर से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, 52,478, इसमें से हमने वन माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 52,477, क्योंकि 78 में से वन माइनस हुआ 77, यानी यहाँ पर 79, 52,479। इसी तरह से ये सारे हमें करना है, बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में, मतलब जो आपका पेपर आया उसमें ये डिजिट्स जो है वो चेंज होकर भी आ सकते हैं। थोड़ा इतना याद रखना है हमें कि जो प्रेडिसेसर है उसमें हमें माइनस वन करना है, सक्सीजर में प्लस वन करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर बी, वर्कशीट नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो हमें नंबर्स दिए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हैं, तो हमें इनकी शॉर्ट फॉर्म राइट करना है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को एक के नीचे लिखकर प्लस कर लेते हैं सिंपल वे में, ठीक है। ये यू कैन सी हियर, ये सारे नंबर्स हैं, मैंने राइट कर लिए हैं बैक साइड से, हम सबको लिखते जाएंगे और उसके बाद हम इन्हें प्लस कर लेंगे। तो 9,0,0,0,3 आ गया यहाँ, या 5, देन 6, फिर प्लस किया तो 1, 3, फिर प्लस किया 2 एंड 5। तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म बन गई, एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म बन गई, इसे हमने यहाँ पर राइट कर लिया, ठीक है बेटा।
तो एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो सारे नंबर्स हैं इन्हें एक के नीचे एक लिखकर प्लस कर देना है, ठीक है। ये हो गई हमारी शॉर्ट फॉर्म, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें एक के नीचे एक लिख के सबको राइट करना है, और इसी तरह से ये सारे हम लिख लेंगे और प्लस करके शॉर्ट फॉर्म में इनके आंसर राइट कर देंगे, ठीक है बेटा। आई होप आप लोग कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो गई है, इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है और सॉल्व करके भी देखना है, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।